स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हरिओम। आपके लास्ट लेक्चर में हमने फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था, राइट? उसमें हम कहाँ तक पहुँचे थे? ऑक्सीमोरन तक। वापस हम ऑक्सीमोरन का मैं यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं एक्सप्लेन करूंगी और फिर उसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ओके, सो वर्ड्स दैट सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, वर्ड्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे, मतलब एक चीज कुछ और बोल रहा है। वन वर्ड सेज अनदर थिंग, सेकंड वर्ड सेज अनदर थिंग। एक वर्ड है कुछ एक चीज बता रहा, सेकंड वर्ड जो है वो अनादर कुछ बता रहा है। ठीक है, अभी एग्जांपल इसमें क्या लिखते हैं। अभी जो ऑक्सीमोरन है ये रिटन लैंग्वेज में यूज होता है। क्यों यूज होता है? ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, स्पीच में फ्लेवर लाने के लिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, राइट? इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, इट इज एन ओपन सीक्रेट। सी, अभी इसमें दो अपोजिट है, ओपन एंड सीक्रेट। अगर ये सीक्रेट है तो इसको ओपन क्यों किया, राइट? ओके, एंड इट्स ओपन, तो ये सीक्रेट कैसे है? अंडरस्टूड? सो हियर इट इज ऑक्सीमोरन, दैट वर्ड्स दैट सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इज ऑक्सीमोरन। अंडरस्टूड? वेरी क्लियर। और हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉरी, ही इज क्लियरली कंफ्यूज्ड इन हिज डिसीजन। क्लियरली एंड कंफ्यूज्ड, अगर वो क्लियर है उसके डिसीजन में तो वो कंफ्यूज कैसे है, और अगर कंफ्यूज है तो क्लियर कैसे है? So completely two opposites we can see, words are contradicting to each other, right? Once again oxymoron, words that seem to contradict each other, okay? And उसमें हम लोगों ने देखा था written language में use होता है English में, तो speech को effect देने के लिए, to give flavor, then dramatic effect, then जो हमारे writings के जो लिखा ये जब use करते हैं oxymoron, तो वो effect ही दिखता है ना? ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। First example I have given, it is an open secret. If it's secret, then how it? अगर secret है तो open नहीं होगा obviously. And अगर open है, तो how could that be secret? And अगर secret है तो open नहीं होगा. तो word contradict हो रहे हैं एक दूसरे को, right? This is oxymoron. Next is he is clearly confused in his decision. Now you will see clearly or confused. ये दो जो word है, right? अब यहाँ पे अगर वो clear है उसके decision में, it is a word
इट इज अ वर्ड व्हिच इज अ साउंड ऑफ दैट थिंग. ये कौन सा वर्ड है जो है ना साउंड रहेगा उस चीज का. जैसे यहाँ पे साउंड, अगर बी का साउंड कौन सा है, बज. अंडरस्टूड? सो द बी, द बजिंग बी फ्लू अवे. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, द लार्ज डॉग. I'll write down, write down here upstairs. Second example I'm writing here. The large dog bark bow wow. See kya hai? Again this is onomatopoeia, right? The large dog bark bow wow. राइट ना. सी फर्स्ट मैंने क्या लिखा, द बजिंग बी फ्लू अवे. तो बी बज करता है, हमें पता है, राइट? दिस इज ओनोमेटोपोया. नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखा है, द लार्ज डॉग बार्क बाव वाव. अब इसमें डॉग जो है वो उसका नेचुरल साउंड क्या है, बाव वाव. सो दिस इज ओनोमेटोपोया. अंडरस्टूड? वन मोर एग्जांपल इफ आई गिव यू, I'll draw out this one. यही पे मैं example लिख देती हूँ. Third one. Third example. The snake. The snake slithered and hissed. The snake slithered and hissed. तो snake के बारे में कहा, क्या किया उसने, slither किया है, hiss किया. So again this is onomatopoeia. Understood? First example was the buzzing bee flew away. Right. Next क्या है? The large dog bark wow wow. Third one, the snake slithered and hissed. Understood? So this is onomatopoeia. Understood? This is onomatopoeia. O N O M A T O P E I A. Onomatopoeia. Once again, O N O ono meto M A T O poeia. We can say pia. Onomatopoeia. Okay, P E I A. Onomatopoeia. Understood? Clear? Now next one, after this, next one, next you are having very easy repetition. अब ये क्या होगा, इसमें वर्ड रिपीट होंगे. यस, सो विल राइट, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच ओके. फिर क्या लिखोगे, अब इसमें क्या होता है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर रिपीटेड और आई कैन से इज रिपीटेड. ओके, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट रिदम. इट इज यूज्ड टू क्रिएट rhythm and bring attention to an idea. Once again, repetition mein, it is a figure of speech, theek hai, where a word or group of words, jahan pe word ya group of words jo hai wo repeat honge. ठीक है, तो दैट इज
इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी उससे पहले आप वर्ड लिख दो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वर्ड, देन आल्सो इट्स ओके. ओके, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज रिपीटेड. ओके, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट रिदम एंड ब्रिंग अटेंशन टू एन आइडिया. रिमेंबर, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिदम, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिदम एंड ब्रिंग अटेंशन, एंड ब्रिंग अटेंशन टू एन आइडिया. क्लियर? Understood? Now an example of this, I'll about this one. Example. The president said, we will fight come
स्पीच है ना, जो आपको माइक में आ गया था वैसे अभी टेंथ में भी आएगा. ओके, वंस अगेन द पॉलिटिशियन डिक्लेयर्ड वी विल फाइट, कम व्हाट मे, वी विल फाइट ऑन ऑल फ्रंट्स, वी विल फाइट फॉर 1000 इयर्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन आफ्टर दैट, this one is right.
कैट, ओके आपको फोनिक्स याद करो, सी ए टी कैट, तो क कैट ऐसे आप बोलते थे तो क आया, और चॉइस सी एच ओ आई सी ई राइट, तो च आया, क्या आया चॉप, एंड यहां पे के आई सी के तो की, तो वापस यहां पे क आया, तो क्या ये दोनों है अलिटरेशन? नो, अगर कैट एंड की है तो यस इट्स अलिटरेशन। जरूरी नहीं है कि दोनों का स्टार्टिंग लेटर सेम हो, नो, इसका साउंड सेम होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, आफ्टर दिस यू आर हैविंग नाउ दैट्स एंटीथेसिस। ये तो आप लोगों को भी पता है, अपोजिट्स जो हमेशा ऐसे ही बोलते हो, है ना? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एंटीथेसिस। कौन सा है अपना नेक्स्ट टॉपिक? एंटीथेसिस। क्लियर?